नमस्कार किसान भाई, टैग किसान फैमिली राठौर चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, आपका परिचय? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। हाँ जी, गांव डिडवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से। मैं सबसे पहले जो हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक भाई देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये आपका जो झोटा है जी, जी ये मतलब कहाँ की ब्रीड थी आपकी? ये बुर्रा नस्ल का ये बुल है। ये इसका जो दादाजी था वो गोलू के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुआ। वो 11 साल से लगातार इंडिया का चैंपियन बनता रहा। उससे देश के कोने कोने में काफ़ी झोटे पैदा है जिनका नाम युवराज, शहनशाह, सुल्तान, खोरडे, सूरज, पीसी 483, काफ़ी झोटे तैयार हैं जो दुनिया के अंदर वो फेमस रहे हैं अपने समय पर। झोटे के पास चले एक बार। हाँ जी, चलो देख लो। चलो भैया देखो, आप जोटा देखो जी, बड़ी शानदार वाला, पहली बार, बहुत ही लंबा ठाड़ा जिसे कहते हैं, बहुत ही, बस पूछो ना कहते ठहरा के, जोटा इतना ठाड़ा होता नहीं। दो जोटे एक जगह बांध दो वो भी छोटे पड़ जाएंगे। तो भैया इसकी मतलब कितना पुराना है ये? इसकी उम्र 4.5 साल की हुई है। 4.5 साल का भी हुआ है। तो इसकी डाइट वगैरह? डाइट है जी, वो तो मतलब सीमन के जो सीजन है उसके आधार पर रहती है। हाँ जी, जब सीजन का दौर चलता है उसमें मेरी डाइट बढ़ा देते हैं, जब ऑफ सीजन रह जाता है उसमें डाइट मेरी कम कर देते हैं। अच्छा, तो इसका इसका खर्च ऑफ सीजन पे 1500 रुपये प्रतिदिन का खर्च है, और जो जब सीजन का समय चला गया तो सीमन का दौर चलेगा उसमें 2000 या 3000 तक खर्च हो जाएगा पर डे का। तो आपने केला यही रख रखा है, नाम क्या है इसका? गोलू। इसका गोलू टू, ऐसे ऐसे मेरे पास 5 हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फल फ्रूट चले होंगे इसके? जरूर फल फ्रूट है, ये पशु के लिए फल फ्रूट की कोई जरूरत नहीं होती। घी दूध जैसे झूठ बोलना ठीक नहीं, क्योंकि घी दूध ये चीजें तो जो ब्रीडिंग बोले उनके लिए इफेक्ट। तो सर जिसकी वेट की बात करें, इसमें वेट भाई 15 क्विंटल से आज है, 16 क्विंटल बीच में हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन से पहले मकर संक्रांति मेले में चल रहा है, तो इस करके बार बार इधर उधर जाने में वेट एक कम से कम 1 क्विंटल फर्क पड़ जाता है। तो इसे घुमाते कितना आप? देखा घुमाते हैं, एक तो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारा दिन चलता रहता है, जैसे चाइल लड़ा आते हैं इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन 5-4 किलोमीटर जब घर होता 5-4 किलोमीटर इसकी वर्जिश सवेरे से करवाते हैं। तो इसका सीमन वगैरह अगर कोई लेना चाहिए? सीमन बिल्कुल है जी, इसका सीमन के लिए 10 करोड़ की इस पर लागत लोगों ने लगाया है। इसका सीमन बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा उसमें बिक रहा है, क्योंकि इसकी उम्र भी 4.5 साल, 20 साल तक ये सीमन भी देगा, ताकि सीमन से काफ़ी कमाई इसकी हो जाएगी। इस करके इसमें 10 करोड़ का वो लगा, लोगों ने कीमत लगाई कई एजेंसियों ने। तो बाकी सीमन है मेरे फार्म पे मिलेगा, चाहे हम मेले में जाएं, हम वहाँ साथ में रखते हैं वहाँ से मिल जाए। अच्छा, कुछ रखने की कुछ विशेष व्यवस्था वगैरह करनी पड़ती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है, सिलेंडर होता है उसमें? नहीं नहीं, जोटे के लिए, जोटे के लिए इसका रेत रखना, मेटल रहता, स्विमिंग पूल है, सुविधा के लिए सारी है, ऊपर कूलर चलते हैं गर्मी के सीजन पर। तो थोड़ा जोटे के पास चलें थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, चलो जी देखियो, देखो जी जोटे की, देखो जी साज सज्जा कितना ही शानदार लग रहा है, और चमक भी बोलते हैं बिल्कुल अलग ही है। और देखो जी एक एक नस चमक रही है इसकी, बाल वगैरह दिख नहीं रहे बिल्कुल। जो ब्रीडिंग बुल का देखो कितनी है, मतलब एक एक नस बिल्कुल शरीर से चमड़ी से ऊपर उभर रही है। हाँ जी, बिल्कुल साफ दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो मेन खासियत है इस बुल की, ये देखो जी मजबूत है मामला सारा, आदमा से बोल रहे है। हाँ जी, चुड़ाई पीछे से भी इतनी चुड़ाई बिल्कुल पूछ है, बहुत पतली है, मतलब जाति का जो पूरे 100%। आप कुछ विशेषता बता रहे थे पूछ? हाँ, ये टेल मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। हाँ भाइयों, जो ब्रीडिंग पुल है, हाँ जी, उसकी 4 इंच से ज्यादा चिट्ठी पूछ नहीं होनी चाहिए, इसकी तो 1 इंच है जी, तो बाकी तो 6 इंच तक मुड़ा होगा। लेकिन जो ब्रीडिंग पुल है जिनसे मतलब बीज तैयार करके बच्चे पैदा करने हैं, वो 4 इंच से ज्यादा ना होने, जितनी कम उतनी अच्छा। तो देखो दोस्तों, और अच्छे से दिखा दूं मैं आपको, एक बार साइड से भी घुमा दूं। देखो जी बहुत रोबदार, बिल्कुल पीछे तक बहुत चौड़ा झोटा है। ये देखो जी गर्दना भी बहुत ही शानदार उठा हुआ, इसे बोल रहे। अगर भैया कहाँ पे हो आप? कहाँ पे हो ना? हाँ जी, इसकी गौर ज्यादा अच्छी हुई आपकी। ये हाइब्रिड ब्रीड है, कहीं बाहर की है क्या ब्रीड? नहीं, ये तो इंडिया के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर है, मुर्रा नस्ल है जो, वो हरियाणा नस्ल जो हरियाणा में ही पैदा होती है।
इसकी बाकी तो आसपास के जो स्टेट है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, क्योंकि पूरे देश में इसका सीमन मुर्रा का जा रहा है, तो देश के कोने कोने में मुर्रा होगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा ब्रीड है, जो अच्छी नस्ल है मुर्रा की, मैं हरियाणा में मानता हूँ। तो इसकी वैसे तो अनमोल चीज है, अगर इसकी कॉस्ट रखी जाए करीब कितना हुआ? देखिए कॉस्ट का कोई मैटर नहीं है, मैं तो अपना एक तो शौक है, ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ, और मैंने एक और जो है 25 साल से मैंने ब्रीडिंग का काम किया, और ब्रीडिंग के आधार पर मैंने बदल शरीर वार्ड भारत सरकार से प्राप्त किया। अच्छा जी, काबिल। वैसे लोग आते होंगे आपके पास, भाई बेच दो बेच दो, विजिट तो जहाँ भी कोई विजिट आती है पशुपालक से संबंधित, कृषि से संबंधित, वो अपने फार्म पर आते जाते रहते। कितने इनाम था इसने अब तक? इनाम ये तो नया बच्चा है, इस साल इनाम में कंपटीशन लड़ेगा। लंपिक बीमारी के कारण सरकार के, पूरे देश के सरकार के जो भी है, लंपिक के कारण हुए कैटल शो लगते थे जो वो बंद हैं, तो कृषि मेले चल रहे हैं, कृषि मेले में जाता है और लोगों को सिखाने और दिखाने के लिए हम देंगे। तो इसे मेरे का बाहर की स्टेट भी लेके जाते हो? पूरे इंडिया में घूमता रहा को कृषि से संबंधित कोई मेला होता उसमें बुलाते, क्योंकि पूरे इंडिया का ये अच्छा भी और फेमस बोला। और जैसे ये आप बता रहे 4.5 साल की हो गया, तो आपके आपने 20 साल तक इसकी उम्र दी? हाँ, और भी तैयार कर रखा है आपने कुछ? और है मेरे पास तो ब्रीडिंग का काम है। जी 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 जी। तो देखो दोस्तों, सारी चीजें मैंने कवर कर ली है, और मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, बहुत ही शानदार ब्रीड है जिसे बोलते हैं। अच्छा एक चीज भैया मेरे को और जाननी है, भैया ये बताओ मुझे, जैसे इनका सीमन होता है जो नॉर्मल जो साइज होता है जो डंगरों का, जैसे भैंस हो, देखो तो भैंस कैसे बताते हैं, भैंस के साइज तो कुछ नहीं लेना देना। हाँ जी, इसका सीमन रखो, भैंस तो चाहे 5 फुट की हो, चाहे 5 फुट से 1 इंच और कम, वो तो बच्चा देना है तो फुल पर देना है। एक भ्रांति थोड़ी सी उधर है, देखो मतलब की है तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये फीमेल का मैटर है, कोई भी नस्ल हो, कोई भी जानवर हो, ये फीमेल में इन चीजों से कोई चीज फर्क नहीं पड़ता। कोई नंबर वगैरह देना चाहोगे भैया आप? नंबर 98-131-66-375। ठीक है, देखो भैया ने नंबर भी दे दिया, तो ठीक है भैया, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बार मैं कैमरा और अच्छे से दिखा दूं आपको, ये देखो जी जम रही है मामला, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं आज तक, शायद देख भी ना पाऊं, पर ये अलग ही तरह की ब्रीड है जी, जिसे कहते हैं, ये देखो ओलू है, और ये कम से कम 5 फुट से तो ऊपर ही ऊपर है, ये देखो जी गुस्सेल है, गुस्सेल तो नहीं है वैसे, तो गुस्सेल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो को आराम दे रहा हूँ, नमस्कार।